हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ जलेबी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी ली है। 2 कप के हिसाब से हम यहाँ पर 1.5 कप पानी डालेंगे। आप जिससे चीनी नाप रहे हैं उसी से पानी नाप लें। अब मैं इसमें 3 इलायची डाल रही हूँ। बस ऐसे ही मैंने खोल के डाल ली इसको। इसे इस तरीके से चलाइए, कभी कभी चीनी नीचे चिपक जाती है। ये देखिए चाशनी हमारी यहाँ पे खोल गई है। हमें यहाँ पे कोई भी तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस चाशनी हमारी हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, इससे जलेबी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हमारी चाशनी बनके बिल्कुल तैयार है। मैं गैस की फ्लेम को बंद कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और 1/2 कप दही। इसे मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब मैं उसी कप से पानी डाल रही हूँ इसमें। इसे हम खूब अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पर। जितना अच्छा हम इसको मिलाएंगे उतना अच्छा ये फॉर्मेट होगा। ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे 1 पैकेट इनो का डाल रही हूँ। आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून डाल लें। चुटकी भर मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर डाल रही हूँ। अब इसे मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसे साइड में रख दूँगी। मेरे पास एक सॉस की बॉटल है। अगर आपके पास सॉस की बॉटल है तो आप उसी से बना लें। एक दूध का पैकेट भी है। मैं आपको दोनों से बना के दिखाऊंगी। मैंने इसको इस तरीके से सामने से काट लिया है। मैं इसको किनारे से भी हल्का हल्का काट लूँगी। और इस तरीके से ग्लास में डाल लूँगी इसे। अब ये देखिए इस तरीके से। अब मैं बैटर को दोनों में थोड़ा थोड़ा भर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भर लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से निकाल कर ऊपर की साइड पर रबड़ बैंड लगा लूँगी। ये देखिए हमारी कीप बन गई। अब मैं सबसे पहले आपको कीप से बना के दिखाऊंगी। इस तरीके से घुमाते हुए से बना लेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो रखना है। ये देखिए जलेबी हमारी अच्छे से फूल कर ऊपर आ रही है। अगर आपको पतली जलेबी पसंद है तो आप नीचे से थोड़ा सा कम काटिएगा। अब इसे तुरंत नहीं पलटना है। जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएगी हम तब पलटेंगे। ये देखिए अब मैं पलट रही हूँ। अब इसमें एक अच्छा सा कलर आ गया, मैं निकाल लूँगी। मैं आपको साइड में एक और बना के दिखा रही हूँ। दूध की पैकेट से भी बहुत अच्छे से निकलता है। अब मैं इसे भी निकाल लूँगी। अब मैं यहाँ पे आपको सॉस की बॉटल से बना के दिखा रही हूँ। इस तरीके से घुमाते हुए इसे भी बना लेंगे। ये देखिए जलेबी कितनी अच्छे से फूल रही है। अब मैं इसे पलट लूँगी। अब देखिए दोनों साइड में एक अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसे चाशनी में डाल लेंगे। चाशनी हमारी यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी गर्म होनी चाहिए, तभी ये इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी।
ये देखिए अभी से 5 मिनट के लिए इसको इसमें भीगे रहने देंगे। अब हमारी जलेबी बनके बिल्कुल तैयार है और मैंने इसको सर्व किया दही के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।